हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरवल रिव्यू ऑफ द मूवी सर्कस। अब देखो, सर्कस ट्रेलर देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो था नहीं वैसे भी, लेकिन जितना इंटरवल में चल रहा है वो हम कह सकते हैं कि एवरेज, बिलो एवरेज तक ही चल रहा है अभी। क्योंकि स्टार्टिंग में जमुना दास आश्रम दिखाया जाता है, जिस तरह से गोलमा के यूनिवर्स किस तरह से कनेक्ट होगा उसका एक हिंट मिल जाएगा आपको कि क्या वो लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। दो जुड़वा भाई, मतलब टोटल चार, दो दो के पेयर में दो जुड़वा, रणवीर सिंह और जो चूचा है हमारे वरुण शर्मा, एक को करंट लगता है इलेक्ट्रिक मैन और एक को मतलब करंट का कोई असर नहीं होता है, दूसरे पर लगता है। तो ये सब चीज़ जो है वो थोड़ा सा रिपीटेटिव टाइप का है, लेकिन ये करंट वाला जो है वो जिससे कॉमेडी क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है उसमें अब उतना हंसी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये करंट वाला सीक्वेंस हम लोग और भी फिल्मों में हंगामा वगैरह में देख चुके हैं, तो उतना काम नहीं कर पा रहा है। और जो कॉमेडी ऑफ एरर्स, मतलब जिस तरह से चल रही है, ये इसको नहीं पहचान पा रहा है, वो उसको नहीं पहचान पा रहा है, क्या चल रहा है, पूरा कन्फ्यूजन वाला माहौल उस तरह से चल रहा है। बीच बीच में रोहित शेट्टी का जो यूनिवर्स है, जितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं धीरे धीरे करके वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ठीक ठाक लग रहा है। मतलब टाइम पास एवरेज, बिलो एवरेज उसी तरह से चल रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अस्टाउंडिंग ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन जो सेट डिज़ाइनिंग है, जो जिस तरह का कलर ग्रेडिंग है, वो आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक जो फेरी टेल वर्ल्ड है उस तरह का दिखाया जाता है, तो मतलब एक हैप्पीनेस क्वेश्चन लगता है, क्योंकि लगता है कि यार कितना सुंदर जगह है, ये सब जगह है, वहाँ पर रहने का मन करता है, इस तरह का जो एक फीलिंग है आपके अंदर आएगा, तो वो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि वो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। हालांकि हंसी कहीं भी नहीं आ रहा उस तरह का, संजय मिश्रा जो है वो अपने उसी तरह के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, या फिर वो सपेरे वाला, तो मतलब जो रिपीटेशन होता है रोहित शेट्टी की फिल्मों में जनरली उसी तरह का दिख रहा है हमको। तो ऑनेस्टली जो गोलमाल अगेन है वो भी कुछ उतना खास नहीं लगा था हमको, कहीं भी वैसा हंसी नहीं आया था, और यहाँ पे तो अभी तक और भी नहीं आया, लेकिन अभी इंटरवल तक मतलब कह सकते हैं कि अभी आमना सामना नहीं हुआ है, हो सकता है किस तरह से आगे कन्वर्ट करें उसको, वो देखने वाला बात होगा। जॉनी लेवर वगैरह सबकी अभी एंट्री बाकी है, तो देखते हैं किस तरह से मूवी आगे पैन आउट होता है और किस तरह से मतलब कंक्लूड होता है और क्या यूनिवर्स सेट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी तक उतना कुछ हंसी जैसा आया नहीं, इक्का दुक्का जगह आपको थोड़ा मोड़ा हंसी मिल जाएगा, लेकिन उस तरह का जो कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि तो कॉमेडी जिस तरह से क्रिएट होनी चाहिए तो वैसा कुछ है नहीं, सिचुएशनल कॉमेडीज, स्लैपस्टिक उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश है, बट उस तरह का मतलब जो रिस्पॉन्स है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। सो अभी तक डल, एवरेज, बिलो एवरेज टाइप का ही चल रहा है ये मूवी। आगे देखते हैं इंटरवल के बाद किस तरह का टर्न लेता है और शायद एक लाफ्टर अच्छा क्रिएट कर पाए। जो भी होगा फुल मूवी रिव्यू में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने देखा, आपको क्या लगा, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।